यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले मसीह समाज के 110 से अधिक परिवार हुई हिंसा की शिकायत करने के लिए पहुंचे जिला कार्यालय। यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले मसीह समाज के 110 के अधिक परिवार हुए हिंसा के शिकार, इंसाफ के लिए पहुंचे जिला कार्यालय। दूसरे सामुदायिक द्वारा मारपीट की शिकायत को लेकर कोड़ागांव जिला से लगे हुए गांव की बैठ बोलेगा टिमरू गांव, पाला, चिमड़ी, कोगेरा और अन्य गांव के लोगों को जो यीशु पर विश्वास रखते हैं मारपीट के गांव से भगाया गया एवं घर से बेघर कर दिए गए, जिससे बच्चे बूढ़े सब अपनी सुरक्षा को लेकर कोड़ागांव पास्टर के पास पहुंचे और पास्टर और विश्वासियों के द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोग जा करके गांव का मुखिया लोगों को भड़का करके गांव के जो लोग मसीह यीशु को आस्था रखते हैं उन लोगों के विरुद्ध में भड़का करके कभी शाम को मीटिंग करके बुला रहे हैं, कभी दिन में मीटिंग करके बुला रहे हैं और बिना पूछे उन लोगों को लकड़ी से, डंडा से, जैसे मन में आ रहा है वैसे मारपीट कर रहे हैं। आज हम लोग कई लोग अभी जिला अस्पताल में 8 से 10 लोग भर्ती है, चल नहीं पा रहे हैं, उनको ना है। और इन दिनों में मसीह समाज जो है, जिसको मसीह का जो आस्था रखते हैं उनको जो है सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके धन संपत्ति को लूटा जा रहा है। इसलिए हम कलेक्टर के पास आए हैं, कलेक्टर साहब के पास, कि वो हमें न्याय दिलाए और जो लोग घर से बाहर हैं उनको उनके घर वापस भेजे। उनका घर टूटा हुआ है, उनका घर का टूटा हुआ चीज़ों को वो जवाबदारी ले और इन सारे पीड़ित लोगों को जो है वो अपने घर की ओर भेजे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सबके सब घर से बाहर हैं, कोई जंगल में है, कोई रोड में है, कई प्रकार के जगहों में पाए जा रहे हैं। मार के डर से इनको रात को जाते और लोग इनको उठाते और इनको बुरी तरह से मारते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में पड़े हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन शासन को रखेंगे, हम अपना विश्वास है प्रशासन में मदद करेंगे। यदि प्रशासन हमें मदद नहीं करेंगे और मार खाने वाले व्यक्ति सहन से बाहर हो करके कुछ आदि करेंगे तो फिर उस प्रशासन को परी आएगा। आपका नाम सर? मेरा नाम, मैं मसीह समाज का सचिव हूँ। नाम सर? नाम मेरा नाम के जे का।